नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टूल्स विला के यूट्यूब चैनल में। खेत में हम जब ड्रिप पाइप इंस्टॉल करते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे सवाल रहते हैं, जैसे कि हमें कौन सा ड्रिप पाइप लेनी चाहिए, फ्लैट, इनलाइन या ऑनलाइन, खेती के एरिया के अनुसार हमें कितने लेंथ की ड्रिप पाइप की जरूरत होगी और उसके लिए हमें कितने LPH और हेड वाला मोटर लेना चाहिए, कितने LPH वाले ड्रिप पाइप कौन से फसल की खेती में जरूरत होता है और क्या अलग अलग डायमीटर के ड्रिप पाइप से पानी के प्रेशर में कोई फर्क पड़ता है। इस सारी टॉपिक्स हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो इन सभी सवालों का जवाब पाने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ऐसे ही खेती से जुड़ी मशीन्स और इक्विपमेंट्स की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल टूल्स विला को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। सबसे पहले जान लेते हैं किस टाइप के ड्रिप पाइप ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं। पहला है फ्लैट इनलाइन ड्रिप पाइप। इनलाइन का मतलब होता है ड्रिप पाइप के अंदर ड्रिपर फिक्स रहता है, एक फिक्स डिस्टेंस में ये ड्रिपर अलग अलग LPH वाले होते हैं। इनलाइन ड्रिप पाइप में फ्लैट के अलावा सर्कुलर ड्रिपर भी आता है जो सर्कुलर ड्रिप पाइप में फिक्स रहता है और आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आता है ऑनलाइन ड्रिप पाइप, जिसमें पाइप के अंदर ड्रिपर नहीं रहती है। ड्रिपर्स को आप अपने जरूरत के अनुसार लगा सकते हैं। इसमें एक सुविधा रहता है कि आप फसल के जरूरत के अनुसार ड्रिपर आप फिक्स LPH वाले या एडजस्टेबल यूज कर सकते हैं, जिसमें LPH कम ज़्यादा करने का सुविधा रहता है। अब हम बात कर लेते हैं इनलाइन ड्रिप पाइप को और ऑनलाइन ड्रिप पाइप को आप कौन कौन से फसलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इनलाइन ड्रिप पाइप का जो ड्रिपर रहता है वो ड्रिपर टू ड्रिपर डिस्टेंस कम रहता है। इसे आप कम डिस्टेंस वाले फसल में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि सब्जी वर्गीय फसल, गन्ने की फसल इत्यादि। दोस्तों, इससे पहले हमने रेनगन इरिगेशन सिस्टम के ऊपर वीडियो बनाए हैं, जिसको आप आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। अब हम बात कर लेते हैं ऑनलाइन ड्रिप पाइप के बारे में, जिसमें ड्रिपर फिक्स नहीं रहता है। आप पौधे के डिस्टेंस के अनुसार बाहर से ड्रिपर लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए हॉर्टिकल्चर यानी कि फलदार पेड़ों की खेती में पौधे से पौधे की दूरी ज़्यादा रहता है, इसीलिए ऑनलाइन ड्रिप पाइप यूज होता है। और पेड़ बड़ा होने पर अगर ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है तो ज़्यादा LPH वाले ड्रिपर लगा सकते हैं, जिसको आप सालों साल यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं अलग अलग डायमीटर वाले ड्रिप पाइप को आप कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके ड्रिप सिस्टम में सबलाइन के दोनों तरफ 200 फीट डिस्टेंस रहता है तो 16 mm पाइप इस्तेमाल होता है, और 200 फीट से कम डिस्टेंस में 12 mm, और जब डिस्टेंस 300 से 350 फीट हो तब 20 mm ड्रिप पाइप का इस्तेमाल होता है। अब हम जान लेते हैं खेत में लगने वाले ड्रिप पाइप के अनुसार कितने LPH और हेड वाले पंप लेना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, एक उदाहरण से समझते हैं। अगर आपके पास एक एकड़ में 3300 मीटर ड्रिप लाइन है और ड्रिप से ड्रिप का डिस्टेंस है 0.45 मीटर, तो इसे हम ड्रिप लाइन को ड्रिपर डिस्टेंस से डिवाइड करेंगे, यानी कि भागा देंगे, तो कितना ड्रिपर निकल कर आएगा। तो चलिए समझते हैं, 3300 को 0.45 से भागा देंगे तो 7333 होगा, और एक ड्रिपर 2 LPH का होता है तो 7333 ड्रिपर से गुना कर देंगे 2 को, तो निकल के आएगा 14,667। तो हमें 14,667 LPH वाला पंप चाहिए, और हेड होनी चाहिए लगभग 25 से 30 मीटर और वाटर प्रेशर कम से कम 1 kg होना चाहिए। दोस्तों, हमारे वेबसाइट toolsvilla.com पर ऑनलाइन और इनलाइन ड्रिप पाइप और अलग अलग LPH और डिस्चार्ज हेड वाले वाटर पंप अवेलेबल है, जो आप अपने ज़रूरत के अनुसार ले सकते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो की जानकारी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ऐसे ही खेती से जुड़ी मशीन्स और इक्विपमेंट्स की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल टूल्स विला को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई मशीन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।